डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SGS मोतिहारी। आज हम लोग चैप्टर वन साइंस में चैप्टर वन का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है ए का वन, व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। What are the substances present in the food that our body needs to grow and stay healthy? इसमें वन का ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिएंट्स ट्रू आंसर है। Which one of the following is an edible stem? इसमें टू का ए ऑप्शन पोटैटो करेक्ट है। In cabbage we eat the ... leaves of the plant। इसका थ्री का ऑप्शन बी सही है। ... इज ए हर्बीवोर इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल। इसमें होगा हॉर्स ऑप्शन नंबर डी, फोर का डी। आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज कंसिडर्ड एज ए स्कैवेंजर। इसमें फाइव का आंसर होगा सी, मॉस्किटो। अब इसके आगे बी नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसमें पहला है फूड गिव्स अस, तो होगा एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। इसके आगे ग्रीन प्लांट्स सेकंड नंबर बी का टू, ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स। वी ईट ... स्टॉल्क होगा, वी ईट स्टॉल्क ऑफ सेलेरी एज फूड। इसका फोर नंबर होगा हनी बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी। अब क्वेश्चन नंबर बी का फाइव में होगा लीच इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला है सी का वन में, कैबेज इज ए फ्लावर दैट वी ईट, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। हनी कम्स फ्रॉम ए प्लांट सोर्स, ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। सी का थ्री, क्लोव इज ए ड्राइड फ्लावर, ये ट्रू है स्टेटमेंट। स्कैवेंजर्स आर कार्निवोर्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। शूट्स ऑफ बैम्बू आर यूज्ड एज फूड, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। अब आगे इसके आगे हम लोग चैप्टर वन का डी करेंगे, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड, वन वर्ड आंसर देना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर, गिव एन एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर। ह्यूमन बींग आंसर होगा, ह्यूमन बींग। विच कैटेगरी ऑफ फूड सोर्स डू एग कम फ्रॉम, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा एनिमल सोर्स। नेम एन एडिबल लीफ यूज्ड एन एज एन इंग्रेडिएंट इन ड्रिंक, नेम एन एडिबल लीफ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन ड्रिंक्स। मिंट होगा इसका करेक्ट आंसर, मिंट। नेम द फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए हेन, ये एग्स होगा। एनिमल दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब इसके आगे हम लोग आंसर करेंगे, व्हाट इज ए स्टेपल फूड। ये ई नंबर का क्वेश्चन नंबर ई का वन होगा, व्हाट इज ए स्टेपल फूड। इसका आंसर होगा द फूड आइटम दैट वी ईट इन मेजर पोर्शन ऑन ए डेली बेसिस आर कॉल्ड स्टेपल फूड। इसको फिर से दोहरा दें, ई का पहला नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्टेपल फूड, इसका आंसर होगा द फूड आइटम्स दैट वी ईट इन मेजर पोर्शन ऑन ए डेली बेसिस आर कॉल्ड स्टेपल फूड। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट आर कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इसके आगे है व्हाट आर पैरासाइट्स, थ्री नंबर क्वेश्चन है ई का, व्हाट आर पैरासाइट्स, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड और लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग बींग्स फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट। एक बार और दोहराते हैं इस आंसर को, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड और लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग बींग्स फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर,
name any four plants whose roots are used as vegetables. चार ऐसे पौधे के नाम बताना है जिसके रूट्स का हम लोग प्रयोग वेजिटेबल के रूप में करते हैं. फोर प्लांट्स हुज रूट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स आर फॉलोइंग. इसमें पहला हो गया कैरोट, दूसरा हो गया बीट रूट, तीसरा हो गया रेडिश और चौथा हो गया टर्निप. इसके आगे क्वेश्चन नंबर पाँच है. क्वेश्चन नंबर पाँच में है, नेम द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क, मेंशन द प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क. एक बार फिर से दोहराते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव. नेम द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क, मेंशन द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क. क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा, द एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर काउज, गोट एंड बफेलोज. मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, क्रीम, चीज, बटर, कर्ड आर टू बी मेड फ्रॉम द मिल्क. ऐसे मिल्क प्रोडक्ट के नाम हैं जो दूध से बनाई जाती है. आगे हम लोग पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर एफ है. क्वेश्चन नंबर एफ का पहला वन का नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ फूड विथ एग्जांपल. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव. इसका आंसर यहाँ से होगा, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव फुल स्टॉप. फूड कंटेन्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटांसेस दैट द बॉडी नीड टू ग्रो. डू वेरियस एक्टिविटीज टू रिपेयर इट्स सेल्फ एंड टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. एक बार और दोहराते हैं. फूड कंटेन्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटांसेस दैट आर द बॉडी नीड टू ग्रो. डू वेरियस एक्टिविटीज टू रिपेयर इट्स सेल्फ and to remain healthy and strong full stop. There are two sources of food, plant source and animal source. Plant source ka example ho gaya grains, cereals, vegetables. Animal source ke example ho gaya milk, eggs, meat aur honey. Do number par hum log chalte hain. Question number 2 f ka 2 number par chalte hain. F ka 2 number question hai, what are edible seeds. What are edible seeds? Describe with example. Also give their usage as food. Do question number 2 का answer पढ़ते हैं. Seeds of many plants eaten as food. Of these, cereals and pulses are part of our staple food. Seeds of many plants eaten as food. Of these, cereals and pulses are part of our staple food. Cereals provide most of the food requirement of the world. For example, rice, wheat, barley, maize and few example of seeds, pulses are edible. Seeds found in different color and sizes. For example, kidney beans, green gram, pigeon pea are the example of pulses. Ab hum log question number 3 padhenge. Explain the how honey is produced in nature. Explain how honey is produced in nature. How is it obtained for human use? Honey bees collect the nectar produced by the flower and convert it into a thick sweet liquid called honey and store it in the throughout the year. This honey is then obtained from the beehives of the by collecting honeycombs and scraping them off. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ. एक बार और दोहराते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का. हनी बीज कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर, कन्वर्ट इट इन टू थिक स्वीट लिक्विड कॉल्ड हनी एंड स्टोर इट इन द थ्रू आउट द ईयर फुल स्टॉप. This honey is then obtained from hives by collecting honeycombs and scraping them off. Question number, इसके बाद हम लोग question number 4 करेंगे. How are the teeth of the animals different based on their food habits? इसका answer हम लोग करेंगे. In the herbivore animals have sharp front teeth and big and flat side and back teeth for crushing and grinding the plants.
इन द कार्निवोर एनिमल हैव शार्प पॉइंटेड टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लेश ऑफ द एनिमल। एक बार फिर से दोहराते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इन द हर्बीवोर्स एनिमल हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड बिग एंड फ्लैट साइड एंड बैक टीथ फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द प्लांट्स फुल स्टॉप। इन कार्निवोर एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लेश ऑफ द एनिमल। और इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डिस्क्राइब द फूड हैबिट ऑफ द स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर्स एंड देयर रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम पढ़ते हैं। दोज एनिमल्स दैट ईट द रिमेन्स ऑफ डेड और डिकम्पोजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, क्रोज, फॉक्सेज, हाइनाज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एस्केवेंजर। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स, प्रोटोजोआ आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। बोथ हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट एज रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स। बोथ हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट एज रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स इमिट फाउल स्मेल एंड गिव राइज टू मैनी डिजीजेज। अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे।